Warm welcome. You're watching CNN News 18 with me, Grihadul Siddiqui. We are cutting across now live to a press conference by the technical team in Uttarkashi, which is involved in the rescue process to get the 41 laborers who are stuck inside the tunnel that has collapsed outside. Let's see what they have to say. The latest right now, as far as the rescue process is concerned, is that we have been told that the vertical drilling has just about begun. Let's take a look. मेरे साथ हैं महमूद सर, एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार एंड एमडी एनएचआईडीसीएल, साथ हैं डीजी इंफॉर्मेशन। आज की पीसी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपडेट आपको कल जो लेटेस्ट अपडेट मिला था, आप सभी को पता है कि उसके अंदर मशीन का जो ओगर का ड्रिलिंग वाला पार्ट होता है, वो आप लोगों को फोटो भी शेयर किया गया है डीजी साहब के द्वारा, आप सभी के पास आ जाएगा वो। क्योंकि जब अंदर डाला गया था उसके अंदर पाइप के अंदर 800 mm का है, तो आगे जा करके स्टक अप हो गया तो निकल नहीं पाया। जब टूट गया तो जो टूटा हुआ पार्ट है उसमें से खाली 9 मीटर और 6 मीटर 15 मीटर ही ऑटोमेटिकली मशीन निकाल पाई थी। उस 15 मीटर के बाद में, क्योंकि उसका जो ओगर का पार्ट है वेल्ड भी किया गया, उसके अंदर वेल्डिंग के लिए भी जो नॉर्मल वेल्डिंग की जगह एक MIG टेक्नोलॉजी होती है उसका भी इस्तेमाल किया गया, सारी चीज़ें करके देखी गई, परंतु वो उसके बाहर नहीं निकला। जब वो बाहर नहीं निकल रहा था तो उसके अंदर फिर अल्टरनेट के तौर पे एक और सॉल्यूशन उसमें किया गया कि जो ओगर के फिन्स होते हैं जो मशीन काटती है उनको काटा जाए, और जो आपका बीच का शाफ्ट बच जाता है फिर उसको काटा जाए, और जितना काटते जाएंगे वो निकाला जाए। ये आप लोगों को इसलिए है कि सारा डिटेल पता होगा तो यू विल अंडरस्टैंड, आप सभी समझ पाएंगे कि उसमें इतना समय क्यों लग रहा है। जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस वार्ता के दौरान बताया था कि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं कोई हड़ल आ जा रही है, दूसरी हड़ल, एक ख़त्म होती है दूसरी आ जा रही है, लेकिन ये है कि उसका समाधान निकाल लिया गया है। अब उसी के लिए, जैसा कल आपको इन्फॉर्मेशन हुआ था कि एक लेज़र कटर और एक प्लाज्मा कटर, दो और एडिशनल मशीन्स मंगवाई गई जिससे कि वो कटिंग का काम है। जैसे बताया कि जो ओगर का ड्रिलिंग वाला फिन्स वाला पार्ट होता है वो अंदर फंस गया था, तो उसको काटने के लिए एक नॉर्मल गैस कटिंग होता है जो ट्रेडिशनल होता है और जो हमारे लोग भी इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मा कटर मशीन इमीडिएटली, जैसे ये स्थिति आई, ये समस्या आई, उसी समय प्लाज्मा कटिंग मशीन के लिए DRDO हैदराबाद से हायर लेवल पर डिस्कशन होने के बाद, जहाँ पर भी अवेलेबल इंडिया के अंदर थी वहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन सबसे शॉर्ट की गई किसके पास कहाँ पर है, तो हैदराबाद से मशीन मंगवाने के लिए इमीडिएटली एक डोनियर प्लेन गया, वहाँ से मशीन लेकर के दिल्ली आया, दिल्ली से यहाँ पर लाया गया। इसी प्रकार से ये लेज़र उसके लिए था, एक राजामुंद्री से ONGC कुछ स्पेशलिस्ट की टीम को लेकर के वहाँ से इंडिगो का प्लेन आया, उन लोगों को यहाँ बुलाया गया। जो प्लाज्मा कटिंग मशीन है उसको चंडीगढ़ से यहाँ इमीडिएटली रवाना किया गया, यहाँ जल्दी से जल्दी रात के 2 बजे पहुँची हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए, इनको इसलिए किया गया कि इनका इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी उसको कटिंग की जाए, और जैसा उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी कुछ है तो प्लाज्मा कटिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। वो उसकी स्पीड जो नॉर्मली उससे 35% एफिशिएंसी टू 40% ज़्यादा होती है, जल्दी स्पीड से कट सकता है, तो उन सब का कॉम्बिनेशन बना करके, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं, आप लोगों को एक फ़ोटो टनल का भी भेजा गया है, जिस तरीके से टनल के अंदर आदमी जाता है वो वहाँ कटिंग करता है, तो हीट भी जनरेट होती है उसको करने में, आँखों के लिए भी आप समझ सकते हैं कि विद ऑल द प्रोटेक्शन ऑल्सो, एक छोटे स्पेस के अंदर ही वो जो उसकी कोई भी मशीन किसी लोहे को काटती है तो वो इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं कि 800 mm के पाइप में वो कई गुना बढ़ जाती है। सो टेकिंग ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर द टीम इज़ वर्किंग, वो सारी टीम काम कर रही है। अभी तक जो लेटेस्ट स्थिति है, 1:10 के जब 1:10 तक जो लेटेस्ट हमारा 13.09 मीटर अंदर बचा हुआ था, बाकी कल रात से जैसे आपको बताया कि लगातार चल रहा है, तो जो 13.09 है उसके लिए हो सकता है संभवतः, अब कोई समय सीमा तो आप लोग समझ गए हैं इतने टाइम में कि एक बार कहीं पर कोई भी हर्डल अनएक्सपेक्टेड जो 1% भी जिसके चांस है, कई बार वो स्थिति अभी हमें सामना करना पड़ रहा है। तो टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, और संभवतः अगले कुछ घंटे मतलब कल तक वो हो जानी चाहिए, उम्मीद है लेट नाइट अर्ली वीइंग आवर्स या कल सुबह। उसके बाद में जो आगे का काम रहेगा, जैसे ये सारा का सारा कटिंग हो जाएगा, तो जैसा आप लोगों को अवगत कराया गया था कि बाकी सारी ऑप्शंस पे काम शुरू कर दी गई हैं, उस जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं उसके बारे में आपको MD सर महमूद सर बताएंगे।
जो ये ओगर वाला काम है इसके बारे में जैसे आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये वाला कटिंग होने के बावजूद एक जो टिपिकल हैंड से रिमूव करते हैं मक को, उनको रेट माइनर्स टाइप से एक वर्डिंग टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करते हैं, तो जो मैनुअल माइनिंग वाला पार्ट होगा वो आगे जाएंगे, वो उस पाइप से जा करके दे विल जस्ट रिमूव लिटिल बिट ऑफ मक, दे विल सी कि इसके अंदर और लोहे का अगर कुछ है, जो हर्डल्स आ रही हैं उस लोहे वाले को देन दे विल यूज़ डिफरेंट प्लाज्मा कटर से या लेज़र कटर से या जिससे भी फिजिबल उनको लगेगा उससे उसको काटेंगे, वो रास्ता क्लियर करेंगे पाइप का, एंड देन दे विल ट्राई टू पुश। जो मशीन है उसके दो काम थे, एक तो पुश करना और एक ओगरिंग करना, जो अंदर से काटता है तो ओगर निकाल देगा, तो पुश वाला काम फिर भी मशीन से हो सकता है, तो देन दे विल ट्राई विद इट। अगर वो कहीं हर्डल फिर भी आती है कि पुश नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब वो मैनुअली आदमी देख लेंगे तो रास्ता क्लियर कर देंगे, वो जितना टाइम लेते हैं, हो सकता है कोई हर्डल आ गई, अदरवाइज स्पीड से भी काम हो सकता है, कोई हर्डल आ गई उसको काटने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं, तो दैट डजंट, नोबडी कैन स्पेसिफाई कि कितना टाइम, कितने स्पीड, कितना मीटर पर आवर, इट कांट बी स्पेसिफाइड। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्लियर करेंगे उस पाइप का रास्ता, पाइप पुश होगा, हो सकता है कि कोई हर्डल ना आए तो पाइप फटाफट पुश होता रहेगा, हो सकता है हर्डल आ गई तो उस हर्डल को काटा जाएगा फिर पाइप पुश किया जाएगा। इन केस अगर 800 mm का नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिए गए हैं कि 700 mm का पाइप उसके अंदर जैक डाल करके, वो दे हैव द टेक्नोलॉजी, जो सारे लोग आपको पता है, अब तो वी हैव द बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, आल्सो फ्रॉम द अब्रॉड, बाहर से भी लोग आए हुए हैं, तो विद देयर सजेशन, विद द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हाईएस्ट लेवल।